आप NH80 में कोई बीमार अगर पड़ जाते हैं, भागलपुर जाने के लिए कई एक घंटा लगता है, जाम लगता है। 5 मीटर का रोड है, पहले से कहीं 7 मीटर का है। 1.5 महीना में 971 करोड़ रुपया बैठिक इस्टीमेट बनवेल छो। मिर्जा चौकी से पीरपैती कहलगांव होते हुए, एक चारी होते हुए भागलपुर से लेके घोरघड़ जो लोहा वाला पुल छो। माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय नितिन गडकरी जी के पास वो फाइल भिजवा दिए हैं। लगता है कि 31 तारीख से पहले अगर इस बजट सत्र में अगर होगा सरकार के पास पैसा तो 971 करोड़ रुपया उस रोड के लिए 10 मीटर चौड़ीकरण रोड, कहीं जहां रोडों पर पानी चढ़िया छा ओकरा उच्चो करेला, जहां छोटा छोटा पुल पुलिया छा ओकरा बड़ो करेला। हमारा लगे छा कि 31 तारीख से पहले मिली जाता, कोई कारणवश अगर नहीं मिल रहे तो अगला फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल के बाद कोई भी 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना के अंदर माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के द्वारा 971 करोड़ रुपया उसमें भी आपका हमको लगता है कि आवंटन हो जाएगा। साथ ही साथ कहना चाहेंगे कि कई एक स्कूल का हमने उठाया है सवाल, जितना अपने यहाँ नदियां आ रही हैं झारखंड तरफ से या इधर से, सब में बोले हैं छिटका बनाने के लिए, स्विच बल्ब लगाने के लिए, जिससे जो भी पानी ऊपर से आ रहा है जिन किसान परिवार को जरूरत पड़ेगा छिटका बनेगा और स्विच बल्ब लगेगा, वहां रोक करके पानी ले लिया जाएगा, पानी पटवन हो जाएगा तो आगे बढ़ा देगा। साथ ही साथ आप सुने होंगे कि गौराडी इलाके में आज 25 सालों से पहले एयरपोर्ट बन लो भागलपुर में, लेकिन वहां छोटा एयरपोर्ट हो चलता, वहां पर हवाई जहाज नहीं उतरल। हमारा याद है कि 1000 एकड़ गौराडी में गौशालार जमीन छे, हम सबसे पूछलिए कल कह के हो पवन भैया भागलपुर में नहीं उतरले हवाई जहाज, अगर है गौशाला वाला जमीन पर उतरते और अगल बगल में ढेरी जमीन छे, हमारा सब किसान ने दे देवे सरकार को कि कम से कम यहाँ एगो हवाई अड्डा बनाए दा, वो कराओ खातिर हम सरकार ले गुहार लगा दे छ कहि दे छ हो सके छ। अगर आए बाबा हमरा के नहीं लह छ ओ त कथा सप्ताह ज्ञान, तो बाबा तो कुछ न कुछ ज्ञान बड़ो ले गए छ, तो हम चाहे भाई बाबा है जे साल ऐल होनी यह रंग हमरो परिवार में आवे 7 दिन कम से कम अपने ज्ञान रो गंगा बहार काम करियो। हमारे बीच स्वामी नारायण दर्शन जी महाराज आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं अपनी धरती पर जीताडी पर, और साथ ही साथ मंच पर जितने भी हमारे इस कार्यक्रम के मुकाम पर पहुंचाने के लिए मेरे भाई हैं या बहन हैं उनका भी हम अभिवादन करते हैं, वंदन करते हैं। जो भी जनप्रतिनिधि महोदय हमारे बीच आए हैं, पहले से हैं या नया बनने वाले हैं, सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं। और है बीचों में हमारा छोटका भाई श्री चाहो लास्ट में जो वहां देख लो जहाँ, आप लोगों को भी वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और विनती करते हैं ईश्वर से। सुबह सूत करके उठते हैं पूरे समाज के लिए, एक ही चीज आंख खुलता और बोलते हैं हे ईश्वर हमरो पूरे समाज में जे भी प्रवास करे वाला छे उनका स्वस्थ एवं स्वच्छ रखियो और हमू अपने साथों में छियो। साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय हमारे गार्जियन नागेश्वर सिंह बाबू, सचिव निरंजन सिंह जी, संचालनकर्ता विमल बाबू, उप सचिव रामानंद सिंह जी, कोषाध्यक्ष सुनील जी, उप कोषाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार जी, सबों का वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इस तरह का कार्यक्रम अपने समाज में होना चाहिए, हर एक साल कराइए, जिससे हम लोग बैठ कर कर करके बुराई को हटाना होगा समाज से और अच्छाई को लाना होगा। इसके लिए इस तरह का यज्ञ होना चाहिए जो आप लोगों ने करा रहे हैं। विशेष रूप से हम दीदी और गार्जियन से विनती करेंगे कि हम लोग किसान परिवार से हैं, किसान परिवार जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर होते हैं,